Hi guys, मेरा नाम अभिनव, आप देख रहे हैं टेक सिक्स। वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। सो गाइज, आज हमारे पास Firebolt Dagger है। इसे मैं अभी दो दिनों से यूज कर रहा हूँ। ये लॉन्च हो गया है 3400 में। बट भाई, कैसा ये स्मार्ट वॉच है, ये अभी मैं यूज कर रहा हूँ। एंड ना लाइक क्या क्या फीचर्स है इसके, कैसा वर्क कर रहा है, क्या ये वर्थ इट है लेने में, इस वीडियो में हम यही बताएंगे। क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या अच्छी चीजें हैं, सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। यार एक चीज है कि ये वाला जो स्मार्ट वॉच है ना, पर्सनली स्पॉइलर अलर्ट, मुझे काफी अच्छा लगा है। लेट स्टार्ट द रिव्यू गाइज। अनबॉक्सिंग नहीं कर रहा हूँ, एंड वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कर देना। ओके, लेट स्टार्ट द रिव्यू। टॉकिंग अबाउट बिल्ड क्वालिटी, भाई यहाँ पे जिंक एलॉय, आई मीन मेटल का बिल्ट है, बिल्कुल मेन यूनिट मेटल की है। एंड यार स्ट्रैप की क्वालिटी की भी बात करो ना, स्ट्रैप की क्वालिटी लाइक अभी तक मैंने जितने भी Firebolt के लाइक यूज किए हैं स्मार्ट वॉचेस, स्ट्रैप की क्वालिटी अभी तक मुझे सबसे अच्छी लगी है। एंड मैं वहीं पर बिल्ड क्वालिटी बात करूँ मेन यूनिट की, तो भाई जैसा कि मैंने कहा मेटल का है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। मैं कह सकता हूँ 2023 में अभी तक जितने भी स्मार्ट वॉचेस आए ना, सबसे ज़्यादा प्रीमियम लुक वाइज ये लगता है। एंड फील वाइज भी थोड़ा हैवी है, एंड जिसका थिन रिस्ट है उस पर अच्छा नहीं लगेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यार मीडियम रिस्ट है या गोरिल्ला रिस्ट है ना, काफ़ी कमाल का लगने वाला है। टॉकिंग अबाउट डिस्प्ले, तो 1.43 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, एंड इसमें ना कलर्ड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। भाई डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इंडोर में आउटडोर में जो इसकी ब्राइटनेस है ना, ये मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी है, लाइक अच्छे से विजिबल रहता है। जो इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले डिजिटल वाला है ना, वो आउटडोर में भी विजिबल रहता है, बट जो एनालॉग वाला ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, वो आउटडोर में विजिबिलिटी उसकी थोड़ी कम है, तो ये एक चीज़ ध्यान रखना। एंड जो डिजिटल है वो कलर्ड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। Firebolt अभी सारे स्मार्ट वॉचेस में कलर्ड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ला रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट यार डिस्प्ले का टच रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 60 हर्ट्स का डिस्प्ले है ऐसा ब्रांड क्लेम करती है। एंड यस, मुझे लगा है कि लाइक काफ़ी स्नैपी है। हाँ थोड़ा सा जिटरी लैग, लाइक अगर समझ लूँ मैं ऐसा बताऊँ कि 100 में से ना लाइक 2-5% हल्का सा लैग आपको मिलेगा डेफिनेटली, बट उतना ज़्यादा लैग नहीं है। एंड काफ़ी सीमलेस सी इंटरेक्शन है UI से। एंड UI यहाँ पे ना कस्टमाइजेबल है, तीन मेन्यू दे रखा है, तीन मेन्यू स्टाइल है, उसके अलावा थोड़ा मोड़ा आप कस्टमाइज कर सकते हो। एक चीज़ यार मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी, एंड आई थिंक दिस इज वन एंड ओनली थिंग जो मुझे अच्छी नहीं लगी है, इसमें ना वॉच फेस काफ़ी लिमिटेड है। लाइक इसके एप्लीकेशन से तो डेफिनेटली आप चेंज कर सकते हो, अपना भी लाइक फोटो वगैरह लगा सकते हो, एंड उसकी भी क्वालिटी यार काफ़ी अच्छी आती है क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है, डेफिनेटली कलर्स काफ़ी अच्छे आते हैं। बट मेन प्रॉब्लम है ना यार इसमें, इसके वॉच में ना पर्टिकुलरली सिर्फ 3 या 4 ही वॉच फेसेस है, ये मुझे लगा है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। बट यार वॉच फेसेस काफ़ी कमाल का है, लाइक ये ना बिल्कुल प्रोफेशनल वाली लुक देता है, तो अगर आप ऑफिस वगैरह पहन के जाना चाहते हो ना, तो डेफिनेटली जा सकते हो यार। पता नहीं चलेगा किसी को कि स्मार्ट वॉच है या आपका जो प्रोफेशनल वॉचेस होते हैं ना एनालॉग वाले, वो है, क्योंकि काफी ऑफिसेज में ना स्मार्ट वॉच प्रोहिबिटेड है। सो यस, डेफिनेटली यार बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, डिस्प्ले मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा है, एंड UI जैसा कि मैंने कहा यार काफी स्मूथ UI है, तो UI में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टॉकिंग अबाउट ब्लूटूथ कॉलिंग गाइस, तो मैं ना प्रे कर रहा था जब कंपनी ने इसे लाइक टीज किया था कि भाई सिंगल चिप ब्लूटूथ कॉलिंग होनी चाहिए, तो डेफिनेटली इसमें भी हमें सिंगल चिप ब्लूटूथ कॉलिंग देखने को मिलती है। ये डेफिनेटली यार काफ़ी अच्छी चीज़ है, एंड अभी सारे स्मार्ट वॉचेस सिंगल चिप पे आ रहे हैं। सिंगल चिप का गाइस काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, खासकर जो आईफोन यूज़ करते हैं ना उनके लिए, क्योंकि ड्यूअल चिप में क्या होता है ना कि वो आईफोन का मीडिया भी आप लाइक इसमें अगर कुछ भी प्ले करते हो अपने आईफोन में, तो इसमें आवाज़ आने लगेगा, एंड सिंगल चिप में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। सिंगल ब्लूटूथ कनेक्ट करो, अपना कॉलिंग वगैरह एकदम सीमलेस होगा, एंड कॉल की क्वालिटी मैं आपको सुना देता हूं, मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी है, आप भी सुन लो। हेलो, हाँ भाई आवाज कैसा आ रहा है? ठीक आ रहा है। एक्चुअली एक वॉच आया हुआ है Firebolt Dagger, तो थोड़ा कॉल टेस्ट कर रहे थे, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि वॉच से बात कर रहे हैं? नहीं, क्लियर आ रहा है, थोड़ा सा धीरे आ रहा है। अच्छा हाँ, थोड़ा दूर से बात कर रहे हैं इसीलिए। चलो तेरा भी ठीक आ रहा है, चलो ठीक है। देखो पर्सनली अच्छी लगी है, बट स्पीकर की क्वालिटी ना और थोड़ी बेटर हो सकती थी। गाइस एक चीज और है जो मुझे अच्छी नहीं लगी है इसकी, या देखो टेक्स्ट का नोटिफिकेशन वगैरह लाइक नोटिफिकेशन सब आता है व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सब का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट गाइस वाइब्रेशन मोटर मुझे काफी चीप क्वालिटी का लगा है। तो यार अभी तक दो चीजें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगी है, पहला वॉच फेसेस काफी लिमिटेड है वॉच में, एंड इसका जो वाइब्रेशन मोटर है चीप है,
टॉकिंग अबाउट आईपी सर्टिफिकेशन, तो आईपी 68 देखने को मिलता है, नो प्रॉब्लम। एंड नॉर्मल बाकी सब चीजों की बात करूं तो आपको अलार्म का ऑप्शन मिल जाता है, एआई वॉइस असिस्टेंट देखने को मिल जाती है, कैलकुलेटर नहीं है, गेम नहीं है, बट ठीक है यार, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया वॉच को, ये एक अच्छी चीज है। बाकी टाइमर, वेदर अपडेट, ये सब देखने को मिलता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड यार एक चीज है, इसका जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है ना, काफी सारे स्मार्टवॉच में प्रॉब्लम होती है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन करके रेज टू वेक वर्क नहीं करता है, बट इस वाले वॉच में भाई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन करके भी रेज टू वेक अच्छे से वर्क कर रहा है, डेफिनेटली अच्छी चीज है। वहीं पे मैं एक्यूरेसी की बात करूं, भाई डेडिकेटेड सेंसर दे रखा है फायरबोल्ट का ना, ये मैंने देखा है 3000 से अंदर ना डेडिकेटेड सेंसर्स नहीं देते हैं, बट डेडिकेटेड सेंसर इसमें दे रखा है, SPO2 का, हर्ट रेट, पेडोमीटर वगैरह सबके डेडिकेटेड सेंसर्स है एंड अच्छे से काम कर रहे हैं। हवा में अगर आप रीडिंग लेते हो ना तो रीड नहीं लेता है, टेबल में नहीं लेता है, बट ये सब मैंने वो यार बॉटल में एंड लॉकी वगैरह में लगा के चेक नहीं किया है, आप लोग चेक कर सकते हो, बट यस ठीक है, रीडिंग अच्छी आ रही है, मैंने ऑक्सीमीटर से भी लाइक क्रॉस चेक किया है, रीडिंग्स अच्छे हैं। एंड वर्कआउट मोड की बात करूं तो ना ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया, ज्यादा भर भर के वर्कआउट मोड नहीं दिया है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लिमिटेड से वर्कआउट मोड है, 10-11-12 होंगे, उससे ज्यादा नहीं है, बट ठीक है यार, मतलब आप अगर जिम वगैरह जाते हो तो उसके ट्रैकिंग के लिए दिया है, नॉर्मल रनिंग वगैरह के लिए भी दे रखा है, नो प्रॉब्लम इन दैट। एंड एक्यूरेसी भी ठीक ठाक है, जैसे ब्लूटूथ कॉलिंग की होती है वैसी आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, तो यार फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं, क्या आपको 3500 में से कंसिडर करना चाहिए? देखो यार, अगर आप मुझसे लेते हो, मेरे पास 3000 में ये मिल जाएगा अवेलेबल, सील बॉक्स एक पड़ा हुआ है, वो मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, बट अगर आप ले रहे हो अमेजोन से या इसके वेबसाइट से, तो भाई 3500 में भी ना, लाइक 2023 में, मैं ज्यादा फैंसी वॉचेस की बात नहीं कर रहा हूं, जो बिग बेसिक फीचर होता है ना, ब्लूटूथ कॉलिंग रहती है, अच्छा दिखता है, ये मेन पॉइंट है, तो एक्यूरेसी अच्छी रहती है, सेंसर्स अच्छे दिए हुए हैं, तो इन सब चीजों में डेफिनेटली 3500 में आपको ये आंख बंद करके रिकमेंड कर सकता हूं। एंड 2023 का ना वन ऑफ दी बेस्ट स्मार्ट वॉच भी मैं कह सकता हूं इसे, तो डेफिनेटली आप जाके परचेज कर सकते हो इसे, बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके परचेज करो अगर लेना है तो। एंड लॉन्च प्राइस मिस करते हो, मुझे DM कर सकते हो। अगेन यहां तक वीडियो देख लिया है, अच्छा लगा है, लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो, एंड कंपैरिजन आने वाला है गाइस इसका और काफी सारे स्मार्ट वॉचेस के साथ, तो उसके लिए डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना इफ यू आर इंटरेस्टेड। मिलते हैं अगले वीडियो में।